हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस का आज जो हम चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन टू और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावना यानी इंट्रो हम करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो CBSE में पढ़ते हो, चाहे बोर्ड के बच्चे हों, चाहे UP बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये पुराने समय के हर एक जो विषय के बारे में चर्चा करेंगे और हर के साथ जो सोशल साइंस का संबंध है उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। तो सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो NIUS बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग्स ऑफ बिलीव टू हैव टू इमर्ज अबाउट 2 million ईयर अगो। देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड टाइम है द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग्स टू बी बिलीव्ड टू बी हैव इमर्ज अबाउट 2 million ईयर अगो। देर आर रिसेम्बलीड इज एप्स। देर इज अ रिसेम्बलीड इज एप्स। The biologist is called them the Homo sapiens. The biologist is called Homo sapiens. Homo sapiens mean a wish human beings in a Latin. That it now is how to be cultivate is a land to grow a food. Nor do there is now how to be build a house for a shelter. They lived in the caves or tree tops. Do you know that human beings had started living on the earth other much earlier than they learned to be right. The invention of the written was an important landmark. As the written records become a main source of our knowledge of past. Do you know what is not a record, it is written, is called prehistory. There is recording in written is called prehistory. You will be surprised to know that a period of prehistory is much longer than the recorded time, which we term as a history. That is important here. So to reconstruct their life of prehistorics is a human and historians and anthropologists is a study tool, weapon, argument and cap revealings and the cap painting made by a center. History refer to that period of human beings for which written record are available. Such written are found on the rock, pillar, copper plate and more recently paper. There is the most important source written there a prehistory. There is rock, pillar, copper plate and more recently paper here. The next year, nomadic life. Nomadic life means the Stone Age. Stone Age, there is an important. The primitive human beings were nomads. They keep on moving from one place to another in a search for food from the environment. They move in a group to ensure safety from a wild animal. There is a move in a group to be ensure safety from a wild animal, for a social security and from a companionship. They also started to making tool with the stone. So we call there a period is in a human evolution as the stone S. That is called a period of human evolution as a stone S. In each stage, human beings used stone as implement
which were better than the earlier one. This helped is them to be progressed to be a better and safer life. It has the following main stages. Let's see the study of the different type of stages here. The first year, the old stone age, mean is a fellow thick age, is a 5 lakh BC to the 10,000 BC. There is a most important period time here, is about Paleolithic as here, the old stone age. During the old stone age, Paleolithic age, the human beings live in a foothill of the mountain, perhaps near a river. River provide them into the drinking and water well is a food in from a animal that come there to be quench the they are thirsty. They could be fine to cap from a shelter on the food hill. So there is a basic need of food, water and shelter. Very satisfied easily at a such a spot. Do you know that is the early human has to be pushed out of wild animal, especially their gaunt bear, from a cave in order to make a home for themselves. Just imagine how difficult and dangerous life of Promet a people lived. There is a imagine here. The cover and protect their body from a heat and cold. And this promoted human is a war, is a war from the tree and the skin of animal, which they dry under to the sun. You must be appreciate the role of environment play a is sustaining your human beings even today. There are some places in India like there are Andaman and Nicobar Island where contained travels like live like their early human every today. Even today, there is the most important here. Andaman Nicobar Island where is contained travel lives like their early human even today. Early human is a live in a cave and made to painting, depicting, hunting scenes on the wall of the cave. The painting of animal chase, especially a big animal like a bison and the reindeer, and can still even to the mimicked cave is a Madhya Pradesh. It is a quite possible that is a practice of drawing on the wall was some kind of tutorial that is ensured that there would be a successful in there is a hunting expedition. It is also possible that it was a creative expressions to make their surrounding beautiful by making on a artistic expression of their hands. That is important. Here show the most important painting we may make to is cap painting. There is a most important painting here. There is a show the a hunting of animal. That is the most important picture on your screen. The Paleolithic human also developed contain a practice which we think must be there is a religious belief. They worshipped there is a ascender after their death and buried them with the tools and established the a comfortable journey to the next world. There is a fear to the natural phenomena like a lightning and thunder. They could be not understand fact like the rising and setting of the sun. But then now that went to arose in the east, it gives the heat as a during the daytime. Whereas a moon gives space and coolness at their night. To them it is some things is a supernatural because they could not be understanding their case, so there is a worship in the sun and moon. And thunder and lightning. There is the most important, the worship it here, sun, moon, thunder and lightning. However, there is a wish to the enough not to be a destroyer natural and it is a balance. They took from a natural only such a as there is a needed and the preferred to be live a harmonious with it. Do not you think that there would be, the world would be a nice place to live in if people flow that is earlier human did. The old stone as was a fallen there, middle stone as are the Paleolithic as and the Neolithic end. Neolithic end, there is the most important year. The next year, the middle stone as. The middle stone as there is a Mesolithic as means
10,000 BC से 8,000 BC, देर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड टाइम हियर. लेट अस सी हाउ टू द ह्यूमन बींग ड्यूरिंग द मेसोथैलिक्स एज डिस्कवर द यूज ऑफ फायर. देर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवर ऑन दिस पीरियड टाइम. इट्स अ क्वाइट पॉसिबल दैट वेन टू पीसेस ऑफ द फ्लेंट स्टोन वेयर स्टॉक टूगेदर देर प्रोड्यूस अ स्पार्क. And this spark may be having fallen on some dry leaves and cause a fire. This could be, however, frightened or surprised their early humans. The intelligent humans is learned to use this discovery to their advantage. They found that a fire frightened there is animal and so could be provide them safety if kept a burning near of camp. It is also provided to light during to the night. Even the food becomes softer and tastier that are cooked on fire. If also warming up to the cold cap by the providing a heat. Even today, people warm themselves sitting near a fire on cold winter night. And this must have been really a great event in the life of early human. Can you imagine? How to progress of early human from living on the treetops to be discovered of fire took place. It could not be have happened overnight. Absolutely, that is took a several thousand years. Now wonder that is a far become object of wonder as well as a worship. Just like a fire, use of tool was another important discovery for the early human. The tools found in this period were called macrolithics. Macrolithics were important and they were sharper and more effective. Bone of animal were also used to make a tool and weapon like boards and scalpels, arrows, hooks and arrowhead and hammer. They made a hammer and chopper and the hand axes with which they cut down a small tree. They use it as a kill animal for a food or build a small hut to themselves. They chop out a smaller stone to make them as sharp as a knife. By attaching them to walls and spur, they made these tools is more effective. Now they were able to hunt animal from a safe or distance. And some of these stone implement have been to the found in Punjab, Kashmir Valley, in the foothills of the Himalayas and the Narmada Valley, among other places. If you can visit the library and refer to some books or search the internet, you will be able to look at some other site where these tools can be found across the world. Let's study of tools on your picture. Here show the mesthetics is a weapon. There is a most important weapon here on your screen. There is a knife, there are different types of stone, there is shape of axes and other. There is a most important show in your screen of weapon for a human. The next year, the new stone is mean metallics as is a 8000 BC to the 4000 BC. There is a most important period time here. In the beginning, human beings were mere hunter and food gatherer. It took them to be hundreds of thousands of years before they could become a food producer. And this was the beginning of the Neolithic age. Humans could grow their urban food and they no longer depending on the uncertainty of hunting or searching and gathering is more food. How do you think it has happened? How do you think this happened? It's a quite possible like their discovery of fire. This could be also has been an accident. There is the discovery of fire. This could be also have been an accident. Maybe some seeds fell on the ground and plants come out. This plant soon become a regular supply of food. And they start to sowing their seeds and harvesting them. Now they had to took after the plants, they had to be swept. And this was because there was a gap of let us a 6 months between sowing and there is harvesting of grain. There is important
दिस वॉज अ बिगेनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. दिस वॉज अ बिगेनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. इट लीड टू बी अ शटल लाइफ फॉर अ ह्यूमन. नाउ दे हैड टू रेगुलर सोर्स ऑफ अबाउंडेंट फूड एंड दे ऑल्सो हैड अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइव एज दे नो लॉन्गर हैड टू गो हंटिंग फॉर अ फूड. एग्रीकल्चर इज अ बोथ मेनी एडवांटेज एंड चेंज इन द लिव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. दे बिल्ड इज अ हट देयर इज हिमसेल्फ विच वेर प्रॉब्ली इज अ प्रोटेक्टेड बाई अ बॉल एंड देर फील्ड ले आउटसाइड देर अ बॉल. नाउ दे हैड अ रेगुलर प्लेस टू बी लीव विच अ सून टुक देर अ विलेज एंड दिस विलेज इज कंसिस्ट बाई मैनी फैमिली विच प्रोवाइड टू प्रोटेक्शन टू ईच अदर. Around the same time, the early humans realized that they could be keep some animal with them. And this was possible because of agriculture. Now they keep grain for the themselves and the hog was a keep from animals. They had learned to domesticate an animal. Do you know that the dog was the first animal to be domesticated? Later early humans started keeping goat, cattle, sheep for various use, especially for meat and milk. They used bulls and skin from animal for clothing. And this was the beginning of mixed farming. The agriculture provided to plant food while they domesticated animal give meat, milk and also bull. The early humans has been to plants as coming out of seed and giving food like their mother, who is a feed or sustain their life of their children. And they started to worshiping earth as a symbol of mother. Nothing as human beings is a continue to remind is evil. There is a force of nature like a pathetic as of people. Gradually as a knowledge of their involvement increasing, as a desire for a comfortable life also developed. The early human realized that was important to have a better tools and implements. So they made them a sharper. The axe was used for the cutting and the felling of tree. It was made of hard stone, chipped and ground to be edged. After which it was nailed to be a wooden stick. Similarly, as a sickle was used for harvesting the grain. And this tool were also is a polish to make them last longer. And this polish tool helped them to clear the land for agriculture and cutting for their gathering crop. Do you know that such tools are used for gardening and the farming by a small farmer even today? Another important discovery of the period was the wheel. Today, nobody could be have to believe that in a miracle way it could be effective to change a human life. Wheel was used for drawing water from the well in a form of pulley. For a spinning of hundred, they are making a cloth in form of spinning wheels or the charkha. Charkha to the make of poetry in there is a form of potter wheels. The invention of the potter as wheels helped them to be make a cooked food. The pot were made with the twigs as a basket, which were plastered is with clay. And this pot were a different size, had a beautiful pattern on the outside. A greatest use of wheels was is a cart of transportation. And then labor to human beings to carry themselves and their good from one place to another. Even today, the wheels are used for many important activities here. Here show the picture. There is a most important Neolithic as potter. You know that there is a pottery. There is a most important here. There is a most important desire and also there is a most important. एक बात सत्य है कि दिमाग सभी में होता है, लेकिन दिमाग सब में होते हुए भी वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो मनुष्य कर सकता है. इसीलिए बहुत से जो है समय काल में जो हमें परिवर्तन देखने को मिला वो मनुष्य का दिमाग ही था जिसने बहुत कुछ जो है बदल के रख दिया. और इसी का जो आज के समय में आधुनिक युग में हमने विकास का नाम दिया. आपको ये बात भली भांति समझ होगी कि मनुष्य के या जीव जंतु हो सब में कहते हैं दिमाग होता है,
लेकिन इंसान का दिमाग सबसे अधिक तेज और ख़तरनाक है, क्योंकि मनुष्य हर काम करने में सक्षम है। तो क्या ये पुराने समय में ऐसा था? क्या पुराने समय में मनुष्य ऐसे ही सोचा करता था? तो इसी के विषय में हम यहाँ पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण से बने रहें, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर टॉपिक आया है मनुष्य का विकास। आखिर मनुष्य का विकास कैसे हुआ? कहते मनुष्य जब जन्म लिया, क्या मनुष्य ऐसा था जब आज के समय था? संभवतः ऐसा नहीं था। कहते कोई भी विकास की जो चरण होती है धीरे धीरे होती है और अंत तक वो पहुँचती है। तो मनुष्य का भी विकास इसी दौर से गुजरी है। कहते हैं 2 करोड़ वर्ष पूर्व पहला मनुष्य देखा गया था। वे भले ही जो मनुष्य जैसे दिखते थे, लेकिन वैज्ञानिक उनको जो है होमोसेफ्रेंस कहे, वैज्ञानिक ने जिसका नाम दिया था होमोसेफ्रेंस कह के पुकारा था। और इसका मतलब था कि वह व्यक्ति जिसमें दिमाग होता है, यानी इंसान के पास दिमाग होता है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब इंसान के अंदर दिमाग होता है तो क्या जानवर के अंदर दिमाग नहीं होता है? दिमाग जानवर के पास भी होता है। लेकिन कहते हैं जितना मनुष्य का दिमाग विकसित है, उतना शायद किसी और जीव की विकसित नहीं है। इनको जो है खेती बाड़ी करना नहीं आती थी उस समय, ना ही उनको मकान बनाने की समझ थी, और ये लोग गुफा तथा पेड़ों पर रहा करते थे। क्या ये जानते हैं कि ज़मीन पर रहने लगे थे तब उनका जो है लिखना भी नहीं आता था? तो लिखना पढ़ना तो आज की देन है। कहते हैं समय के साथ विकास की जो चरण आई है उसमें मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा है। लेखन कला की खोज एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, और इसकी वजह से वह जो है लिखने लग गए थे। इसी को हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास इसी बात का जो है प्रमाणित करता है। तो आप सोचिएगा कि डायरेक्ट क्या उन्होंने लिखना सीख लिया था? ऐसा भी संभव नहीं था। पुराने समय में सारे जीव इंसान जो होते थे वो कहते हैं दीवारों पर चित्रों के द्वारा अपनी मनोभाव प्रकट करते थे। क्योंकि आपको पता है कि जो भाषा क्या होती है, इसको हम लिख के, ठीक है, चित्रों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं या संकेत के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा ही जो है पुरातन समय में मनुष्य किया करते थे। और इस सब की जानकारी के लिए इतिहासकार तथा खोज करने वाले हुए हथियार, जेवरात तथा गुफाओं बने चित्रों की समीक्षा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या इतिहास छुपी हुई है। और इसमें देखा जाए तो बहुत कुछ जो है छुपी हुई होती है। तो इसी के विषय में हम जो है पार्ट बाई पार्ट करते रहेंगे। हर एक जो है पीरियड टाइम के बारे में हम विस्तार पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा पीरियड टाइम क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है पहला पॉइंट, भ्रमणकारी जीवन। यानी पहले मनुष्य जो थे भ्रमणकारी जीवन व्यतीत करते। भ्रमण का मतलब था एक जगह वो टिक के अपना जीवन यापन नहीं करते थे। कहते पाषाण युग जो है व्यतीत करता था। कहते पूर्व जीवन मनुष्य का जो भ्रमणकारी जीवन व्यतीत किया करते थे, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल सके। और यह लोग एक समूह में ही रहा करते थे ताकि वो जंगली जानवरों से भी अपना बचाव कर सके। जनरल सी बात है, समूह में रहेंगे तो जानवरों से जो है उनकी बचाव होती रहेगी। और उनका साथ भी रहे, वो पत्थरों के औजार एवं हथियार बनाने लग गए, और इसे उनके रहन सहन में विकास होने शुरू हो गया। कहते हैं विकास की चरण अगर देखा जाए तो पहला चरण तो जो है पूरा पाषाण युग के ही बारे में बताता है। चलिए देखते हैं पूरा पाषाण युग के समय काल कितना से कितना था। यदि हम बात करें पूरा पाषाण युग का, तो कहते हैं 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व ये पूरा पाषाण युग के समय काल को बताया गया है। अब समझ सकते हो कि इस समय मनुष्य जो है पूरी तरह से विकास नहीं था। जंगली युग में मनुष्य पहाड़ों के नज़दीक रहा करते थे जहाँ की नदियाँ बहती थी, क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता होती ही थी। नदियों के द्वारा उन्होंने पीने की पानी मिलता था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि शिकार भी वहीं पर पानी पीने आते थे और प्यास बुझाने आते थे, तो उसको वो लोग जो होते उसका शिकार करके अपना पेट चलाया करते थे। जंगली जानवरों वहीं की वजह से उन्हें रहने के लिए गुफा मिल जाती थी, और इस प्रकार उनके अपने खाने पीने रहने का स्थान भी मिल जाया करता था। क्या आप इस बात से जानते हैं कि उनके बड़े बड़े जानवरों को भगाना पड़ता था ताकि वह अपने रहने के लिए जगह बना सके, क्योंकि जो गुफाओं में रहते थे उसमें जानवर भी हुआ करते थे, तो उनको भगा के खुद ही अपना जीवन आश्रित किया करते थे गुफाओं में, क्योंकि उनको घर बनाने की क्षमता नहीं थी, नहीं समझ थी, नहीं सोच थी। अपने शरीर को ठंडा एवं
गर्मी से बचने के लिए जो है पेड़ की खाल और जानवरों की खाल को जो धूप में सुखाकर वो लोग पहना करते थे। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वातावरण हमारे जीवन में कितना अहम भूमिका निभाता है। और कुछ स्थान जैसे कि अंडोबार निकोबार जैसे इलाके हैं जहाँ की भ्रमणकारी मनुष्य अब भी रहते हैं। इसका मतलब हम समझिए कि अभी इंसान ख़त्म हो गए नहीं, अभी कई जनजाति जो है इसी प्रकार की है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है अंडोमार व निकोबार जैसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी मनुष्य जो है भ्रमणकारी जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आदि मानव जिन गुफाओं में रहा करते थे उनके दीवारों पर उनके शिकार करने का चित्र बने हुआ करते थे, क्योंकि कहते हैं वो चित्र बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। अब सोचिएगा कैसे, कहते हैं जो आगे उनकी जनरेशन आते थे तो शिकार करने की पद्धति जो होता था दीवारों पर बनाए गए चित्रों के अंतर्गत ही वो लोग शिकार किया करते थे, या कह सकते हो कि उस तरह का उनकी प्लानिंग हुआ करता था। जानवरों का शिकार जो है ख़ास तौर से बड़े जानवर जैसे कि जंगली भैंस तथा बारहसिंगा अब भी भीमबेटका की गुफाओं में जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है अब भी अंकित है। और यह हो सकता है कि इस तरीके से चित्रों के दर्शाने में वो अपनी बच्चों के शिकार करने में मदद करते थे। मैंने कहा ना वो शिक्षा का केंद्र होता था, दीवारों में वो बना देते थे चित्र कैसे हमें शिकार करना है, तो वो अपने बच्चों को शिकार करने के लिए प्रेरित करते थे, उसके मदद से वो शिकार भली भांति किया करते थे। जैसे आज के समय में जो है किताब छपती है, जो किताब आप पढ़ते हो वही आने वाला समय आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से ऐसे ही वो लोग किया करते थे। और यह भी हो सकता है कि शायद यह अपने रहने वाली गुफाओं की दीवार को अच्छा बनाने लगे इसलिए वो चित्रकारी किया करते थे। तो कई संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि संभावना ही हम उठा सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता के बारे में हम नहीं जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर चित्र जो है आपको भली भांति ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि भीमबेटका गुफा में जो चित्रकारी की गई है, कैसे ये लोग घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और कैसे शिकार कर रहे हैं। इवन कि दूसरा चित्र में देखिएगा तो बहुत भीड़ भड़क्का है और जंगली क्षेत्र है, वहाँ जानवर भाग रहे हैं और वो उनके पीछे जो है दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का चित्र जो है काफ़ी दर्शनीय है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये कई जगह जो है अभी भी आरक्षित कर किया गया है, संरक्षित किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये चित्र जो है आपको समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ जो है इशारा कर रहा है। देखा जाए तो जो है कई ईसा पूर्व इंसानों ने कुछ ऐसी परंपराएं शुरू की, हमें लगता है कि वे उनके भावनात्मक भावनाओं से संबंधित थी, यानी भावनात्मक भावनाओं से ये सब चीज़ें संबंधित हो सकती है। वो अपने पूर्वजों को पूजते थे और उनकी मौत के बाद वो उनको दफनाया भी करते थे और उनके ज़्यादातर भोजन पानी के साथ, ताकि वे अगले जन्म में आराम से जी सके। आपने देखा है कई कब्रों में हमें जो है भोजन के कुछ सामग्री भी मिले हैं, औजार भी मिले हैं। तो उनका विचार हुआ करता था कि अगले जन्म में अगर जन्म लेंगे तो वो जो है आराम भरा जीवन जिए, इसलिए कुछ वस्तुएं जो है रखने की उसमें प्रावधान थी। उनके बिजली और बादलों की गरज से काफ़ी डर लगता था, इसलिए उन्होंने उनको ही पूजा करना शुरू कर दिया। वो नहीं समझ पाते थे कि सूरज क्यों उगता है और क्यों डूबता था, क्योंकि उस समय उनकी समझ नहीं थी, पर वह जानते थे कि सूरज के उगने से गर्मी और डूबने से शांत और ठंडे वातावरण का एहसास दिलाता है। तो ये बात उनको एहसास थी और यह सब उनके लिए जो है अंधविश्वास सा था और लोग अंधविश्वासी हो गए थे, क्योंकि इसको समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वे सूर्य चांद बिजली बादलों की गरज पूजा करने लग गए और उन्होंने कुदरत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया। तो वो काफ़ी उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने कुदरत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया, जैसे आज के मनुष्य जो है कुदरत के साथ खिलवाड़ आए दिन कर रहा है। उन्होंने कुदरत से केवल इतना ही लिया जितनी की उनकी ज़रूरत थी और चैन से रहने लगे, यानी उस समय उनका जीवन बहुत काफ़ी शांतिमय था। जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही वो उपयोग किया करते थे। क्या आप नहीं जानते कि आज अगर हम भी वैसे ही करते जैसे कि हमारे पूर्वज ने किया है तो वो संसार में खुशहाल रहती और इस तरह हम पूर्व जो है पाषाण युग के मध्य पाषाण युग से पहुँच गए होते। और ये संपूर्ण पाषाण युग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं देखिए हम विकास किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं होता कि हम प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करें और प्राकृतिक को हम बिल्कुल ही बिगाड़ दें, क्योंकि बिगाड़िएगा तो इसका जो है खमाजा आपको ही भोगना पड़ेगा। तो ये बात हर एक इंसान को समझना चाहिए। कहते हैं वो लोग को जितनी ज़रूरत थी उतना ही वो कार्य किया करते थे, लेकिन आज का इंसान कहते हैं जरूरत से ज़्यादा करने की कोशिश में पूरा ही तहस नहस कर रहा है कुदरत को।
उसके पश्चात आता है मध्य पाषाण युग का समय काल। कहते हैं मध्य पाषाण युग जो था 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व के समय काल को दर्शाया गया है। हम लोग देखते हैं कि मध्य पाषाण युग में आग की खोज कैसी हुई, यानी ये समय काल जो थी आग की खोज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, कि मध्य पाषाण युग में किसकी खोज हुई थी, तो आग की खोज हुई थी। आग की खोज किस काल में हुई थी, तो मध्य पाषाण युग में हुई थी। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है ये आपको समझना है। तो आपको समझ में आ गया होगा मध्य पाषाण युग में आग की खोज की बहुत महत्वपूर्ण थी। और यह मुमकिन है कि जब हम दो पत्थरों को आपस में टकराएंगे तो उसमें से जो है चिंगारी निकलेगा, इवन कि आप भी ऐसा करोगे तो निकलता है। और चिंगारी किसी सूखे हुए पत्ते पर जब गिरे तो उससे उन पत्तों में आग लगने लग जाती है। और इस आग से उस समय उन्हें हैरानी या डर जरूर लगा होगा, क्योंकि आग से डरे होंगे, क्योंकि छुआ होगा तो गर्म लगा होगा तो जरूर डर गए होंगे। लेकिन बुद्धिजीवियों ने इस अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। उन्होंने पाया कि जानवर आग से भी डरते हैं, तो उन्हें अपनी गुफाओं के सामने उसके जलाकर रख लिया ताकि जानवरों का डर न रहे। और यह रात की रोशनी भी करते थे वो लोग आगों का। खाने का स्वाद भी अच्छा हो गया जब वो आग पर खाना बनाना सीख लिए। उन्होंने यह भी पाया कि सर्दियों में यह गर्मी भी देती है, तो वो उनके लिए सोने पे सुहागा था। आज के युग में भी सर्दियों में लोग आग के चारों तरफ बैठकर उसका लुत्फ़ उठाया करते हैं, ये जनरली देखने को मिलता है। क्या आप समझ सकते हैं कि पूर्व मनुष्य जो कि पेड़ों को डाल पर रहते थे, उन्हें आग की खोज तक क्या तरक्की की? यह सब एक रात में तो हुआ नहीं था, जाहिर है कि इस सब में वर्षों लगे होंगे। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आग एक आश्चर्य था जो है पूजनीय वस्तु बन गया, क्योंकि आग आपको पता है कितना महत्वपूर्ण होता है। और इसको खोज जरूरी नहीं कि जो है ऑटोमेटिक हो गई होगी, बहुत समय लगा होगा। पहले तो आग अगर निकली होगी तो उनको उन्होंने समझा होगा, फिर उन्होंने देखा होगा, कुछ किया होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी। और अचानक किए गए जो इन्वेंशन है उसे कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा होगा, तब जाके उनको आग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आग की तरह जो है औजारों का प्रयोग एक जरूरी खोज थी जो मनुष्य की उस समय आवश्यकता बन गई। और ये औजार जो उस समय के थे उनके जो है साइकोलिथिया किया करते थे, और ये बहुत काफ़ी तेज हुआ करता था और बहुत ही काम भी आते थे, क्योंकि उससे उनको काफ़ी जो है प्रोटेक्शन मिलती थी। और इसके लिए वो जानवरों की हड्डी का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि जानवरों का हड्डी जो होता है टूटने के बाद काफ़ी नुकीला हो जाता है और मजबूती भी रहती है। इसलिए जानवरों की हड्डी का प्रयोग जो है वो बेखूबी करने लगे। और इनके औजार हथियार जैसे कि छेद करने के लिए, उठाने के लिए, तीर बनाने के लिए, काटने के लिए तीर के नुकीले कोण और हथौड़ी अथवा काटने वाले कुल्हाड़ी जिससे कि छोटे छोटे पेड़ काट सके का प्रयोग किया करते थे इन औजारों से। और इससे वो जानवरों का शिकार और खाने के लिए तथा अपने रहने के लिए छोटी छोटी जो है झुग्गियाँ बनाने के काम में लाया करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। औजार के प्रयोग से उन्होंने काफ़ी कुछ जो है अपना जीवन को सुधार लिया था। और इन पत्थरों को अपने तीर और भाले में जोड़ कर ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद बना लिया, क्योंकि इससे जो है काफ़ी आराम पड़ गया उनको जो है शिकार करने में। अब वह एक सुरक्षित जो है दूरी से भी जानवरों का शिकार कर सकते थे। और ऐसे ही कुछ जो है पत्थर हथियार हमें पंजाब कश्मीर की घाटियाँ हिमालय के निचले हिस्सों में और नर्मदा घाटी में भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पुष्कला में जाकर अगर वहाँ पुष्कला है तो वहाँ जाइए और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो है काफ़ी कुछ आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। इवन कि इंटरनेट से भी अगर आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर भी बहुत जानकारी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है पाषाणयुगीन जो हथियार औजार दिख रहा है आपको, कुछ इसी प्रकार के नज़र आ रहे थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है कि इस पाषाण काल में औजार जो पत्थरों के बनाए जाते थे या हड्डियों से बनाई जाती थी बहुत तिक्खी होती थी और बहुत ही कामिल हुआ करती थी। देखिए जैसे दिख भी रहा है आपको यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसकी देखिए शेप कितनी महत्वपूर्ण है। हर चीज़ के कार्य के लिए उन्होंने हर टाइप्स के जो है औजार यहाँ पर विकसित कर रखा था। तो आप समझ सकते हो कि उस समय के इंसान कितने जो है तेज हुआ करते थे। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष नव पाषाण युग। देखिए नव पाषाण युग काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि नवीन पत्थरों का युग था ये। नव पाषाण युग जो था नवीन पत्थरों का युग था, जिसका समय काल जो था 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व, यानी 2,000 ईसा पूर्व में ये लोग जो थे इसमें रहते थे।
कहते शुरू अगर देखा जाए शुरू में मनुष्य केवल शिकार तथा खाना इकट्ठा करना ही उनके लिए पर्याप्त हुआ करता था, क्योंकि इससे अधिक आवश्यकता ही नहीं होती थी। मनुष्य को अगर भोजन मिल जाए इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। हजारों वर्ष लग गए, वह इस सब के बाहर खाना पैदा करने वाले बन गए। यानी उन्होंने हजारों साल लगा जहाँ पर उन्होंने जो है बाहर खाना बनाना, पैदा करना, उपज करना, ये सारी चीज़ें बाद में उन्होंने सीखा। और यही वह युग था जहाँ मनुष्य अपने आप खुद उगाने लगे और खाने के लिए दर दर नहीं घुमा करते थे। यानी नवपाषाण युग काफ़ी महत्वपूर्ण काल था जिसमें मनुष्य को एक जगह जो है ठहरा सा दिया, क्योंकि उन्होंने खेती करना सीख लिया, उन्होंने नए नए औजार बनाना सीख लिया और काफ़ी कुछ उन्होंने इस समय सीखा। आप क्या सोचते हैं कि ये कैसे हुआ होगा? शायद जैसे आग की खोज हुई उसी प्रकार हो सकता है कि कुछ बीज जमीन में गिर गए होंगे तथा उसमें अंकुर फूटकर एक पौधा निकल आया होगा और यही पौधे खाने के साधन बन गए होंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मान लीजिए कोई पेड़ से उन्होंने फल तोड़ा होगा, खाया होगा और उस बीज को कहीं आसपास गिर दिया होगा, तो उन्हें लगा होगा कि अगर हम ऐसे बीज फैला दें तो हमें खाने को बहुत कुछ मिल सकता है। शायद यही सोच उनको जो है जो आज जो है काफ़ी विकसित बना दिया। मनुष्य इसी तरह बीज बोकर जो है खेती शुरू कर दिया होगा। अब उनके जो बीज उन्होंने बोए थे उनके देखभाल भी शुरू कर दिया कि फिर से हमें लगाना है, क्योंकि कम से कम बीज बोने के बाद फसल के लिए 6 महीने का इंतजार करना ही पड़ता था। और यह खेती बाड़ी की शुरुआत थी और इसके लिए वह जो है अब लोगों को दर दर न घूम कर जगह रुकने की जरूरत पड़ी, जिसके वजह से मनुष्य ने जीवन में कई फेरबदल व परिवर्तन आए। उन्होंने अपने लिए झुग्गियाँ बनानी पड़ी जो कि एक तरफ से दीवार से बनी हुई थी। उनके खेत इसी दीवार की सीमा से शुरू हुआ करते थे। अब उनके पास रहने के लिए एक जगह हो गया जिसने एक गांव की शक्ल ले ली। तो आपको पता है गांव भी इसी प्रकार विकसित हुआ होगा और इस गांव में कई परिवार जो कि एक दूसरे का संरक्षण किया करते थे बस गए। और इसी समय उन्होंने पाया कि वे लोग कुछ जानवर भी अपने पास रख सकते हैं, तो यह सब खेतीबाड़ी की वजह से ही संभव हुआ कि उन्होंने जो है जानवरों को भी संभाल के रखना सीख लिया। अब यह मनुष्य अन्न अपने लिए तथा उनकी जो है खेल जानवरों के लिए रखने लग लेते थे। क्या आप यह महसूस किया है कि कुत्ता पहला ऐसा जानवर था जो कि पालतू बना? कुत्ता जो था पहला एक जानवर था जो कि उनका पहला पालतू बना, और बाद में मनुष्य ने बकरी, गाय, भैंस, भेड़ भी रखना शुरू कर दिया जिससे उन्हें दूध व गोश्त खाने को मिलता था। क्योंकि आपको पता है उसमें दूध होती थी या गोश्त हुआ करता था, गोश्त मतलब मीट। वे भेड़ों के बाल और उनकी खालों में बस बनाने लग गए। खेतीबाड़ी से उन्हें अन्न और जानवरों से दूध, गोश्त एवं जो है अन्य मिला करते थे। यानी ऊन जो है था उनकी काफ़ी विशेष थी, यानी जानवरों से दूध, गोश्त और ऊन मिला करता था, काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इन मनुष्य ने जो है बीजों से पौधे जिससे कि उन्हें फल प्राप्त होता था जमीन से निकलते देखा और देखा कि कैसे एक माँ छोटे से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है। उन्हें पृथ्वी की पूजा करना आरंभ कर दी क्योंकि पृथ्वी से उनको जो है भोजन प्राप्त होने लग गया, इसलिए उन्होंने क्या किया पृथ्वी का पूजा करना आरंभ कर दिया। और इस युग के लोग भी जो है पूर्व युग के लोगों की तरह ही अंधविश्वास में ही रहने लग गए। यानी अंधविश्वास में होना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उन्होंने जो है कहते जहाँ से उनको भोजन मिलता है उनकी पूजा करना स्वाभाविक बात है, चाहे आप उसको अंधविश्वास कहो चाहे कुछ भी कहो, क्योंकि जहाँ से उनको पेट भर रहा है, जहाँ से उनका जीवन रक्षक चीज़ें मिल रही है, उनका पूजा करना स्वाभाविक थी और हम इसको अंधविश्वास नहीं कह सकते। अगर उनको हम अंधविश्वास कहेंगे तो आज के मनुष्य जो है इतना तरक्की करने के बाद भी जो है अंधविश्वास में डूबा हुआ है, तो इनको हम क्या कहेंगे? जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ मनुष्य को अपने जीवन में आराम से रहने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि अच्छे औजार और सामान की उनको ज़रूरत है। उन्होंने उसे और तेज बनाना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी पेड़ काटने व गिराने के काम आने लग गई और यह कुल्हाड़ी मजबूत पत्थर की हुआ करती थी उस समय, जो कि एक तरफ से पतली और पैनी हुआ करती थी और उसके लिए लकड़ी के किलो जो है किलो के साथ लगा दिया करता था। यानी ये डिफरेंट टाइप की हथियार हुआ करती थी उस समय। इसी प्रकार एक हसिया का भी प्रयोग फसल में काम आया करता था। इन हथियारों को वह साफ सुथरा एवं चमका कर रखा किया करते थे। क्या आप जानते हैं कि इन औजारों का इस्तेमाल आज भी कई छोटे जगहों पर हो भी रहा है? हसुआ देख लीजिए काफ़ी जगहों पे हो रहा है, कुल्हाड़ी हो रहा है कई जगहों पे। तो ये जनरल सी बात है, हमने
उन्हीं से सब बातें सीखी है। एक और खोज इस समय पहियों की थी। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि पहिए कैसे मनुष्य के जीवन का इतना परिवर्तन कर देगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। पहिए कुएं से पानी निकालने के लिए एक पुलिया का काम किया करता था और धागा बुनने के काम और कपड़े बनाने के लिए काम के लिए एक चक्र का काम भी किया करता था, क्योंकि चक्के का आपको पता है कितना महत्वपूर्ण उपयोग होने लगा। इवन कि जो बर्तनों को बनाने के लिए भी उन्होंने पहियों का बेखूबी प्रयोग किया और इसे वो बर्तन बनाने लग गए और यह बर्तन खाना पकाने के काम आने लग गया और यह लकड़ियों से बने होते थे जो कि बाहर से मिट्टी का लेप चढ़ा होता था। पहिए का सबसे अधिक लोग उपयोग किया करते थे वाहनों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। यहाँ यानी मतलब हुआ कि गाड़ियों को ले जाने के लिए उन्होंने पहिया का बेखूबी उपयोग किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है लकड़ियों के बने हुए आपको बर्तन नज़र आ रहा होगा। आप सोचिएगा कि बर्तन है तो उसको अगर आग पर रखेंगे तो बेखूबी वो जल जाएगा, लेकिन वो लोग काफ़ी तेज़ थे। वो लोग काफ़ी मिट्टी की जो थी बहुत मोटी परत चढ़ा दिया करते थे और मोटी के परत चढ़ाने से क्या होता है, मिट्टी के परत चढ़ाने से वो नहीं जलती है। क्योंकि आज भी गांव में ये देखने को मिलता है जो बंदे चूल्हे पे खाना बनाते हैं अपने बर्तनों को जो है मिट्टी के लेप लगा दिया करते हैं जिससे उनका बर्तन जो है ख़राब नहीं होता है, और ये गांव में आज भी हो रहा है। तो समझ सकते हो कि आज क्या समय वो पुराने समय मनुष्य कितनी विकसित था, उनका दिमाग कितना सुचारू था, और ये बात जो है बेखूबी ये चित्र भी आपको दर्शा सकता है।